हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ अपने वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, अपने पाइस पार्क वीडियो सीरीज़ के कंटिन्यू करते हुए। और इस वीडियो में हम कुछ फंडामेंटल एपीआईज ऑफ स्पार्क के बारे में बात करेंगे कि स्पार्क के अंदर क्या क्या फंडामेंटल एपीआईज हैं, और इन फंडामेंटल एपीआईज को समझना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि यही फंडामेंटल एपीआईज हर जगह यूज़ होंगे। आपको पता होना चाहिए कि स्पार्क पाइस्पार्क के अंदर डेटा जो है कैसे स्टोर होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम उन फंडामेंटल एपीआईज के बारे में बस जानेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, और अगले वीडियो से हम लोग थोड़ा डिटेल में हर फंडामेंटल एपीआई के अंदर जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज उनके लिए है जो जॉब सर्च कर रहे हैं डेटा डोमेन में, या फिर वो ऑलरेडी वर्किंग है, या फिर नॉन वर्किंग है, या फिर कोई कॉलेज ग्रेजुएट या फिर कॉलेज स्टूडेंट है जो डेटा डोमेन में इंटर करना चाहता है। ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज उनके लिए है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाइस्पार्क के अंदर कितने कितने तरीके के एपीआई होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कुछ पाइस्पार्क की फंडामेंटल एपीआईज की, तो पाइस्पार्क के अंदर दो तरीके के एपीआई होते हैं। एक होता है लो लेवल एपीआई और दूसरा होता है हाई लेवल एपीआई। ओके, पाइस्पार्क के एपीआई को थ्री लेवल्स, टू लेवल्स में डिवाइड किया गया। वन इज लो लेवल एपीआई एंड अनदर वन इज हाई लेवल एपीआईज। ओके, लो लेवल के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड आरडीडी। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। हम बात करेंगे कि हम इसको रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट क्यों कहते हैं। धीरे धीरे करके हम आगे जाएंगे और धीरे धीरे करके काफ़ी डिटेल में इन सारे टॉपिक्स में हम इंटर करेंगे। तो सबसे पहला जो लो लेवल एपीआई है उसका एग्जाम्पल है आरडीडी, और इसको हम कहते हैं रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। और अगर हाई लेवल एपीआईज की अगर हम बात करें, तो हाई लेवल एपीआईज में दो एपीआईज आते हैं। वन इज कॉल्ड डेटा सेट एंड अनदर वन इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। ओके, और लेट मी राइट इट आफ्टर डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट, डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट। ओके, ये दो पाइस्पार्क के हाई लेवल एपीआईज हैं। ओके, अगर मैं डेटा सेट की बात करूं तो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, अभी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि पाइस्पार्क डज नॉट सपोर्ट डेटा सेट। पाइस्पार्क डेटा सेट को सपोर्ट नहीं करता है। तो हम जो है डेटा सेट के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम देखेंगे कि डेटा सेट होता क्या है। हम मेनली डेटा फ्रेम और आरडीडी, इन दो एपीआईज के ऊपर मेनली फोकस करेंगे धीरे धीरे करके अपने नेक्स्ट वीडियोज में। अब ये आरडीडी और डेटा फ्रेम है क्या? जैसा कि मैंने बोला कि ये दो तरीके हैं जिसके अंदर हम पाइस्पार्क के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो। और तो हम इसको लो लेवल एपीआई, इसको हाई लेवल एपीआई बोल रहे हैं। आरडीडी एक लो लेवल एपीआई के एक एग्जाम्पल है, मतलब लो लेवल एपीआई में एक ही आता है, आरडीडी आता है, एक ही टाइप आता है आरडीडी। और हाई लेवल एपीआई में दो टाइप आते हैं, डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट, बट डेटा सेट इज नॉट सपोर्टेड इन पाइस्पार्क। तो हम लोग अपना मेन फोकस डेटा फ्रेम के ऊपर रखेंगे। नाउ एक बार हम इवोल्यूशन की अगर बात करें, तो मेरे पास एक डायग्राम है, ये काफी अच्छा सा डायग्राम है, ये डेटा ब्रिक्स के वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ स्पार्क एपीआईज की बात करें, जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्पार्क एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ये रैंप अप कर रहा है, इसकी डिमांड जो है बहुत बढ़ चुकी है और आगे आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है। तो जो हम तीन एपीआईज की बात किए थे अभी, आरडीडी, डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट, आरडीडी जो है वो 2011 में पिक्चर में आया था, डेटा फ्रेम उसके बाद पिक्चर में आया था 2013 में, एंड डेटा सेट 2015 में आया था। ये तीनों का कुछ तीनों एपीआईज के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम धीरे धीरे करके आगे डिस्कस करेंगे। बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ आरडीडी के बारे में कि आरडीडी का यूज, ओके, मैं आरडीडी के बारे में इतना बोलना चाहता हूँ आपको कि आरडीडी इज यूज्ड
टू प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, आरडीडी का यूज होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने में, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने में, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने में। ओके, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने में। बट ये जो हाई लेवल एपीआई है, डेटा फ्रेम और डेटा सेट, इनका यूज सिर्फ और सिर्फ, इट इज यूज टू प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस करने में होता है। हम हाई लेवल एपीआई से, डेट इज डेटा फ्रेम या फिर डेटा सेट से, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी कभी कभी प्रोसेस कर लेते हैं। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को किसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में ले आए, तब हम हाई लेवल एपीआई से स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा कहने का मतलब है, अगर मैं स्ट्रक्चर्ड डेटा कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है। ओके, जैसा कि आपने कोई डेटाबेस देखा होगा, सीक्वल डेटाबेस वगैरह देखा होगा, उसमें जो टेबल के फॉर्मेट में डेटा होता है, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो गया। ओके, अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करूँ, तो जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी कन्फ्यूजन होता था जब मैं स्टार्टिंग में डेटा, इस पूरे डेटा डोमेन को सीख रहा था, तो मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या आता है। तो अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, तो दो फेमस फाइल फॉर्मेट जैसे कि जेसन या फिर एक्सएमएल, ओके, जेसन या फिर एक्सएमएल, इन दो फाइल फॉर्मेट्स, ये दो फाइल फॉर्मेट्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के कैटेगरी में आते हैं। एक्सएमएल पहले बहुत वाइडली यूज होता था, अब ज़्यादा वाइडली जेसन यूज होता है। एक्सएमएल से ज़्यादा वाइडली जेसन फाइल फॉर्मेट यूज होता है। अगर मैं सेमी स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा का तो बहुत सारा फॉर्मेट है, जैसे वीडियो है या फिर इमेज है या फिर ऑडियो है, मैनी काइंड ऑफ फॉर्मेट्स आर देयर इन अनस्ट्रक्चर डेटा, या फिर टेक्स्ट फाइल है। अगर कुछ टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये टेक्स्ट फाइल पर कुछ लिखा हुआ है, ओके, ये पूरा का पूरा अनस्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि इस डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर मुझे ऐसे किसी डेटा को प्रोसेस करना है, तो ये स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा और सेमी स्ट्रक्चर, तीनों तरीके के डेटा को हम इस आरडीडी से प्रोसेस कर सकते हैं। बट हाई लेवल एपीआई से, डेट इज डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट से, हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा भी प्रोसेस हो जाता है हाई लेवल एपीआई से, बट सेमी स्ट्रक्चर को पहले स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आना पड़ता है, डेट इज इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट, तब जो है हम हाई लेवल एपीआई का यूज करके स्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था पाइस्पार्क के एपीआईज के बारे में, और मैंने पीपीटी भी बनाया हुआ है, और द सेम थिंग विच आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, आई हैव रिटन द सेम थिंग हियर। स्पार्क के अंदर दो सेट ऑफ फंडामेंटल एपीआईज है, लो लेवल अनस्ट्रक्चर्ड एपीआई एंड हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड एपीआई। इसके अंदर आरडीडी आता है, इसके अंदर डेटा सेट एंड डेटा फ्रेम आता है। हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दिया कि आरडी 2011 में, डेटा फ्रेम 2013 में, डेटा सेट 2015 में आया था। और आरडीडी कैन प्रोसेस बोथ स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है, और डेटा फ्रेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोसेस होता है। और PySpark, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, PySpark जो है वो डेटा सेट को सपोर्ट नहीं करता है। ये जो हाई लेवल एपीआई है दूसरा, जिसको हम कह रहे हैं डेटा सेट, या डेटा सेट, ये डेटा सेट PySpark में सपोर्टेड नहीं है। Spark मल्टीपल लैंग्वेजेस में रन करता है। अगर मैं बात करूं तो Spark के ऊपर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हैं, जैसे कि हम जावा से भी कोड कर सकते हैं, हम स्काला से भी कोड कर सकते हैं, हम आर से भी कोड कर सकते हैं, हम पाइथन से भी कोड कर सकते हैं, हम सीक्वल से भी कोड कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेजेज हैं जिसके थ्रू हम स्पार्क के ऊपर कोड कर सकते हैं। ओके, और डेटा सेट जावा और स्काला में सपोर्ट करता है, बट डेटा सेट पाइथन में सपोर्ट नहीं करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ऐसा बहुत बार होगा आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि डेटा सेट इन, व्हाट अबाउट डेटा सेट इन Python, in PySpark, you have to clearly say that
पाइस्पार्क इज नॉट, सॉरी, डेटा सेट इज नॉट सपोर्टेड इन पाइस्पार्क. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है. आप ये वीडियो सीरीज को पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, आपको इंटरव्यू क्रैक करने में ये बहुत ही हेल्प करेगा, आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से ओपन कर देगा. और यस, तो इस वीडियो में इतना ही. तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं. दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल. आप ऐसे गूगल में सर्च मारेंगे, करेंगे, ये आ जाएगा. ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं. मैं अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डाल दूंगा. आप चाहें मुझसे तो आप यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं. सो दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल, यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी हियर. आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फॉरम डी. फॉरम डी इज़ फॉरम फॉर डेटा इंजीनियर्स. वी आर स्पेसिफिकली बिल्डिंग इट फॉर डेटा इंजीनियर्स, ताकि हमारे पास जो है, हम डेटा इंजीनियरिंग का एक एक फॉरम बना रहे हैं, एक्सपर्ट डेटा इंजीनियर्स का, जहाँ पे डेटा इंजीनियर्स, हम डेटा इंजीनियर्स को तैयार करेंगे. और हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट अबाउट फॉरम डी. तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे लिंक्डइन पे, और डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड डू कनेक्ट विथ मी. डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर.